नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, बहुत से भाइयों को डीजीपे में प्रॉब्लम आ रही थी, विंडोज 7 में डीजीपे काम नहीं कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल गया है, डीजीपे का नया वर्जन आ गया है। इसको आपको किस प्रकार से यूज़ करना है वो जानकारी आज की इस वीडियो में देखूंगा। सबसे पहले आप देख लो कि मेरे पास में विंडोज 7 है, आप सभी को पता है, आप सभी को स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी विंडोज 7 की। चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए मेरा डीजीपे यहाँ पे चालू है, डीजीपे आपके सामने है, विंडोज 7 में डीजीपे वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो विंडोज 7 में सही से वर्क कर रहा है। इसमें आपको कुछ एरर का भी सामना करना पड़ सकता है, तो उन एरर का भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अभी आपको मैं बता देता हूँ आप इस वर्जन को डाउनलोड कहाँ से किस प्रकार से करोगे। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर यूज ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना होगा digipay.csccloud.in। जैसे ही आप ये ओपन करोगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद आपको डीजीपे डाउनलोड इस पर ओके करना है, डाउनलोड डीजीपे पे। जैसे आप इस पर ओके करो तो यहाँ पे देखिए डीजीपे 6 वर्जन, यहाँ पे देखिए 6.0 आया हुआ था, 6.1 वर्जन आ चुका है, फॉर विंडो न्यू अपडेट आई है इसकी। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे ओके करोगे तो एक वायरस डाउनलोड होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है मिरर। जैसे ही आप यहाँ पे मिरर डाउनलोड करोगे तो डीजीपे डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे 63 MB का सॉफ्टवेयर है डीजीपे, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे डीजीपे 1 डाउनलोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा और मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डीजीपे है जो डाउनलोड किया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे मेरा डीजीपे आपको दिखा देता हूँ। डीजीपे सेटअप मेरा डाउनलोड किया हुआ है, रार फाइल के अंदर है, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उससे पहले आप सभी को बता दूं, आपको सभी को एक काम करना होगा, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आना होगा, आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो भी डीजीपे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करना है और सी ड्राइव में आना है। यहाँ पे देखिए मैं सी ड्राइव में आ रहा हूँ। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है सीएससी ई गवर्नेंस, तो आपको इस फोल्डर को यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देना है। परमानेंटली शिफ्ट के साथ में डिलीट कर दो या फिर डिलीट पे ओके करके, और जो यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन रिसाइकिल बिन का, इसको क्लियर कर दो तो आपका डीजीपे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, डीजीपे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जो फाइल आपके पास में डाउनलोड हुई थी उस फाइल को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना और इस प्रकार से आप ओपन करोगे तो आपका डीजीपे जो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी आपके ओटीपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप ओटीपी भेजोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी ओटीपी आ जाएगी। लेकिन आपको एक दिक्कत आएगी, दिक्कत आपको वहाँ पर आएगी जब आप बायोमेट्रिक कैप्चर करोगे। अगर आप मोर्फो यूज करोगे तो आपको 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डीजीपे अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप मोर्फो जो यूज करोगे तो आपको बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं करेगी ये, ना तो मोर्फो में लाइट आएगी और ना आगे कोई प्रोसेस होगा। तो इसके लिए आपको मंत्रा डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। मंत्रा डिवाइस से अगर आप कैप्चर करोगे तो आपका 100% सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा, आप सही से कैप्चर कर सकते हो। अगर मंत्रा डिवाइस यूज करोगे तो ही आपका कैप्चर, अन्यथा आपका सही से कैप्चर नहीं हो पाएगा और इसमें ज़्यादा कोई आपको एरर नहीं आने वाली है, ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई एरर या फिर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको 100% दे देंगे। बाकी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो हम आपको कमेंट करके भी बता देंगे, कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर देंगे कि इसका प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होगा, तो आप कर सकते हो। आप सभी को बता दिया है मैंने, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।